नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मोरपंखी पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। यह मोरपंखी का पौधा है। यह मोरपंखी का पौधा बारहमासी होता है और यह मोर के पंख के समान होता है, इसलिए इस पौधे को मोरपंखी कहते हैं। यह पौधा आकर्षक और सुंदर होता है। इसे थूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा भी शुभ होता है। इस पौधे को जोड़े के रूप में लगाना चाहिए और प्रवेश द्वार के पास इसे लगाना चाहिए। यह पौधा प्रवेश द्वार के दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ लगाना चाहिए। यह पौधा वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है। यह वास्तु दोष को मिटाता है। यह बारहमासी पौधा है और सजावटी पौधा भी है। इसे सेमी लाइट में रखना चाहिए। इसे ज़्यादा धूप भी नहीं मिलना चाहिए और कम धूप भी नहीं मिलना चाहिए। यह मेडिसिन प्लांट है। इस पौधे में संतुलित मात्रा में पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, कम पानी भी नहीं देना चाहिए। इस पौधे की मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। इस पौधे की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में कटाई छटाई कर देना चाहिए जिससे ज़्यादा बढ़ ना पावे, क्योंकि गमले में साइज बढ़ जाती है तो पौधा गमले को खराब कर सकता है या टूट सकता है। अगर इस पौधे को आप जमीन में लगाते हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर गमले में लगाते हैं थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। इस पौधे को सीमेंट या मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए, बाकी गमले में लगाना ठीक नहीं रहता है। इस पौधे की कटाई छटाई करके आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। वैसे तो इस पौधे को आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लोग इस पौधे को ज़्यादा महत्व देते हैं और आप लगा भी सकते हैं। यह पौधा मोर के पंख के समान होता है और मोर का पंख कृष्ण भगवान को प्रिय है, इसलिए इस पौधे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पौधे के पत्तियों को फूल के साथ शादी विवाह और जन्माष्टमी पर भी सजाते हैं। पौधे की पत्तियों को छात्र लोग अपने पढ़ने वाली किताबों में भी रखते हैं। यह पौधा सालों साल चलता है। मोरपंखी के पौधे को आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं और बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं। इस पौधे के बीज इस तरह होते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लाइक और शेयर करें। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।